मध्य प्रदेश में मलेरिया की बीमारी रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, 26 जनवरी से एक अनोखा अभियान शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत 60 लाख परिवारों को मच्छरदानियां वितरित की जाएंगी। ये मच्छरदानियां विशेष रूप से कीटनाशक होते हुए और बेहद मजबूत भी बताई जा रही हैं। इसकी लागत कुल मिलाकर 300 करोड़ आएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह कहना है कि इससे 60 से 70% मलेरिया की बीमारी पर रोकथाम हो सकेगा और जिन परिवारों को ये मच्छरदानियां वितरित की जाएंगी वे सभी गरीब वर्ग से हैं और सबसे ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी उन्हीं को होना पड़ता है। यही वजह है कि मच्छर विरोधी अभियान के तहत मलेरिया रोकने के लिए अब मच्छरदानियां बांटना शुरू किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।